दोस्तों, इस वक्त एक घर की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक घर यहाँ पर बिकाऊ है। एक बार पहले आपको एरिया दिखा देता हूँ। सामने जो रोड जा रही है, जो अभी स्कूटी आपको निकलती दिख रही है सामने रोड पर, ये शान मैरिज हॉल वाली रोड है। शान मैरिज हॉल वाली रोड से शान मैरिज हॉल के पीछे की साइड में ये गली है, एक मुस्तफ़ा मस्जिद वाली गली। जी हाँ, मुस्तफ़ा मस्जिद वाली गली। आप जैसे पूछोगे तो वहाँ पर आपको ईजिली आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अंदर हम आएँगे। अंदर की तरफ जैसे सीधे आ जाते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ से बाएँ हाथ को मुड़ के एक घर बिकाऊ है। तो घर में आपको एक बार दिखा देता हूँ। मुस्तफ़ा मस्जिद में जैसे हम सीधा आएंगे तो सीधा आने के बाद बाएं हाथ को मुड़कर एक घर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो बिकाऊ है। पूरी बिल्डिंग में दिखा देता हूँ, अच्छा बना हुआ घर है। वेल्ड कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से उसे फिनिश कर उसे बनाया गया है और टाइल्स वगैरह लगे हुए। देखिए आप जो सामने ब्लैक गेट दिख रहा है, थोड़ा सा फ्रंट से जाकर आप दिखा दीजिए। और ये पूरी तरीके से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। पूरा जाल वगैरह यहाँ पर करा हुआ है हमने, जाल आप देख सकते हो। ऊपर शेड लगा हुआ है, वो शेड आपको बिल्कुल पूरा सही मिलने वाला है। यहाँ पर टाइल्स घर में जो है, टाइल्स पूरे अच्छे से लगे हुए बाहर भी और अंदर की तरफ से भी। अभी आपको हम पूरा घर घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप गेट देख सकते हो, पूरी सेफ्टी के साथ गेट का भी इंतज़ाम है। अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे आपको। अंदर आप जब घुसोगे तो अंदर आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया मिल जाएगा। पार्किंग एरिया भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दो गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। दो कार और दो बाइक जो है यहाँ पर पार्क हो सकती है। लेकिन अगर एक आप कार पार्क करोगे तो एक कार तो बहुत आराम से यहाँ पार्क होगी। पार्किंग एरिया है, बाइक आपकी इधर खड़ी हो जाएगी और ये एरिया चला जाता है। यहीं से ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं। ऊपर स्टेयर्स भी एक बार जाकर दिखा दो। ऊपर भी हमारा रूम यहाँ पर बना हुआ है और नीचे का भी पूरा हम आपको एरिया अभी दिखाने वाले हैं। ये आप देखिए, ऊपर भी यहाँ पर रूम है और अगर आपको टेरेस पर जाना है तो उसका भी रास्ता है। यहीं से इसी जीने से आपको ऊपर का रास्ता टेरेस का ही मिल जाता है। आइए तो ऊपर अंदर रूम में चलते हैं और रूम आपको दिखा देते हैं एक बार। अंदर वाला पहले ऊपर का रूम दिखा देते हैं। आइए, तो ये रूम का जो दरवाज़ा है, सेपरेट रूम है बिल्कुल। घर के बाहर से ही मतलब एंट्री होने के, घर के अगर कोई आपका मेहमान आता है, कहीं भी आता है, तो आपको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप आराम से बिठा सकते हो। और कई बार होता है कि मेहमान जैसे आते हैं तो दिक्कत होती है, कभी बाथरूम वगैरह जाना, टॉयलेट जाना, तो उनका रूम यहाँ पर है। सेपरेट इसी में अटैच्ड आपको लैटरिन बाथरूम भी मिल जाएगा। तो ये एक रूम तो इसका ये है। अब नीचे की तरफ चलेंगे अभी तो हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आपको टेरेस भी दिखा देता हूँ इसका। ये तो जीने से सीधा ये आपको लुक मिल गया। अब यहाँ से हम, अगर हम जीने से अंदर रूम में नहीं आएंगे तो इस तरफ अगर हम जाते हैं बाईं तरफ, तो यहाँ पर आपको टेरेस मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो, हमारी छत का जो रास्ता है वो ये है। यहाँ पर भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है पूरी तरीके से। गेट जो है, एक बार ये आप टेरेस देख लो इसका, ये तो ये तो ये आप देखिए 125 गज में, ये 135 गज में आपको ये घर जो आपको 135 गज में मिलने वाला है। 135 गज में नीचे का फ्लोर पूरा बना है। फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम बना हुआ है और रूम के पास जो है आपको यहाँ पर टेरेस पर टेरेस मिल जाता है रूम के बराबर में ही। और रूम में जो है आपको अटैच लैटरिन बाथरूम ऊपर भी मिल जाता है। आप नीचे चलेंगे, नीचे वाले घर में भी हम आपको दिखा देते हैं कितने रूम है और वहाँ पर किस किस रूम के साथ अटैच लैटरिन बाथरूम है। ये हम फर्स्ट फ्लोर से जैसे टेरेस से बाहर आते हैं तो आप ऊपर का ये सामने का व्यू आप देख सकते हो। एक बार दिखा दो ऊपर से, यहीं से पूरा व्यू दिखा दो घर का यहाँ से भी। तो ये देखिए मेन एंट्री, यहाँ से हम घुसे थे वो एंट्री है नीचे। और इस जीने से ही, बाहर से ही जीना ऊपर आ गया था इसी जीने से। और सबसे बड़ी बात यह कि बाहर तो है, ये घर से तो सेपरेट है लेकिन पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरह से कवर्ड है, सेफ है। आपका जो जीना है, आपका जो स्टेयर्स हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड है। तो ये कवर्ड अंदर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं स्टेयर्स। और यहाँ पर रूम भी है और रूम के बराबर से ही टेरेस का रास्ता भी है। नीचे चलते हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं नीचे के रूम्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है आपका
यहाँ पर हैंडपम्प भी लगा हुआ है, पानी इसमें चलता है। देखिए चालू है, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा होगा, चालू हैंडपम्प है। उसके अलावा समरसेबल यहाँ पर लगा हुआ है, समरसेबल आपको यहाँ पर फिटेड मिल जाता है, तो पानी की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से दिखा देता हूँ पहले पार्किंग एरिया से, ये देखिए इधर थोड़ा सा दूर आके हम दिखा देते हैं पार्किंग एरिया से आपको एंट्री। तो मेन एंट्री जो होने वाली है घर की, वो तो ये होने वाली है एंट्री। आप देखिए पूरी एंट्री ऊपर से दिखाइए, एंट्री होने वाली है। साथ ही साथ जैसे मैंने ऊपर आपको एक बैठक दिखाई थी, ऊपर बिल्कुल सेपरेट थी, अगर मेहमान आते हैं तो वहाँ पर अटैच लैट्रिन बाथरूम था, लेकिन अगर कोई मिलने आपसे आता है और आप इस साइड से घर नहीं ले आना चाहते तो यहाँ पर आपका ये एक बैठक आ जाती है बाहर से, यहाँ पर आप मेहमान बैठेंगे, उधर से आप रूम बंद कर सकते हो। दोनों एंट्री पूरे घर की हैं, लेकिन ये सेपरेट रूम है पूरा। रूम पहले इधर से दिखा देते हैं, तो आपका ये रूम एक बार देख सकते हो, इसकी फिनिश जो है वो आप देख सकते हो, टाइल्स चारों तरफ यहाँ पर लगी हुई हैं। एक बार इसकी जो ऊपर ऊपर की तरफ भी दिखा दो, आपको छत इसकी दिखा दी है, छत पे आप देख सकते हो कैसा काम हुआ है, मतलब रेडी टू यूज़ है, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार करके घर बेचा जा रहा है। आपको सिर्फ आकर सामान लेकर आकर यहाँ पर रहना है, और मैं आपको इसकी कीमत बताने वाला हूँ, मात्र 60 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद भी जब आप बात करोगे तो जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको मिलने वाला है। पहले ये एक एंट्री हमारी हो गई है, लेकिन इसके अलावा मैं फिर आपको फिर से मेन एंट्री से जाऊँगा, मेन एंट्री से आपको दिखाऊँगा। तो एक एंट्री तो यहाँ से रूम से आपकी हो जाती है, और मेन एंट्री जो आपकी रहने वाली है, एक बार आप इसकी जो गेट के लुक हैं, गेट के लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए बंद में जो लुक आ रहा है, वो ये लुक आने वाला है आपका मेन गेट का। ये हमारी लॉबी एरिया आ जाता है, वॉकिंग एरिया जो है, उसके बाद यहाँ पर हॉल आ जाता है। हॉल के सामने आपको दो रूम और मिल जाते हैं, दो रूम आपको मिल जाते हैं। तो और इस तरफ आपको किचन मिल जाता है, किचन के बराबर में आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, किचन भी आप देख सकते हो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, स्लिप लगा हुआ है। वॉशिंग एरिया मिल जाता है, वॉशिंग एरिया से जब इस तरफ हम देखेंगे तो एक रूम हमारा यहाँ पर मिल जाता है। अंदर चलेंगे, रूम दिखाएंगे। तो ये रूम आपने देख लिया पूरी तरीके से, फिनिश रूम आपको मिल जाता है। इसके बराबर में ही सेकंड रूम आपको यहाँ पर नीचे एक और रूम मिल जाता है, यानी कि नीचे आपको 3 रूम मिल जाते हैं, हॉल मिल जाता है, किचन मिल जाता है, बाथरूम मिल जाता है। और ये जो रूम है, ये रूम आप एक बार फिनिशिंग इसकी भी देख लीजिए, पूरी पूरी फिनिशिंग आपको ये मिल जाती है इस रूम की। और इसके बाद आपको इसी में अटैच लैट्रिन बाथरूम मिल जाता है, जहाँ पर आपको एक एरिया भी मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाथरूम है, पूरा अटैच बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और यहीं पर एक वेंटिलेशन एरिया, एक बार अंदर जाके दिखा दो, ऊपर से छत से वेंटिलेशन है जो कि रूम की तरफ भी खुल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूम की तरफ भी यहाँ पर ये वेंटिलेशन खुली हुई आपको दिख जाएगी। और ये ऊपर हमने आपको एक लैट्रिन बाथरूम अटैच दिखाया था रूम में, एक यहाँ पर है और एक सेपरेट लैट्रिन बाथरूम है हॉल से। तो हॉल से अटैच जो लैट्रिन बाथरूम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे मास्टर जो हमारा वॉशरूम है वो ये है, घर का जो मास्टर है, जो मेन वॉशरूम है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसमें आप देख सकते हो बाथरूम है, और आपका जो है लैट्रिन बाथरूम जो है अटैच यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो पूरा एक घर आपने एक बार मैंने आपको दिखाई दिया है, पूरा घर आपको दिखा दिया। अगर आपको रामपुर में इस एरिया में आपको शान मैरिज हॉल के पीछे अगर घर लेना है, घर खरीदने की आप सोच रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा। 60 लाख जो है हमने इसकी वैल्यू रखी है, जब आप लेकर यहाँ पर आओगे बैठोगे तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो जाएगी, जो भी नेगोशिएट होगा, जो भी डिस्काउंट होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है।